सो ही हेलो गाइस, वंस माय यूट्यूब चैनल में आपको एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज हम बनाने वाले हैं ये जो ब्लूटूथ पैनल है इसको, सॉरी दोस्तों हम चलाएंगे आज। तो इसके कनेक्शन में आपको बता देता हूँ, ये आपको 30 से 40 रुपये में, कहीं कहीं ये 50 रुपये का मिलता है, मिल जाएगा नॉर्मली शॉप पर। अभी दोस्तों इसमें ये आई सी जी लगी है, इसमें दोस्तों आपको कोई भी बटन या फिर कोई भी चिप, माइक्रो चिप स्लॉट दोस्तों कुछ नहीं मिलेगा आपको इसमें, आपको सब कुछ लगाना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो ये यहाँ पे जो यूएसबी पोर्ट होता है, यूएसबी पोर्ट ये हमने लगा लिया है। आपको ये जो ऊपर वाला हिस्सा है इसको ऊपर रखना है, तो इस हिसाब से आपका जो, मैं आपको थोड़ा ध्यान से दिखा देता हूँ, ये दोस्तों 5 वोल्ट जो है ये नीचे की साइड आएगा लेफ्ट हैंड पे, और ग्राउंड राइट हैंड पे आपका आएगा। ये आपको अगर उल्टा लगाया तो अभी दोस्तों ये दोबारा चलेगा नहीं, आपको लगाना पड़ेगा। तो अभी मैं आपको ये दिखा देता हूँ कुछ इस तरीके से, यहाँ पर ये ऊपर आना चाहिए दोस्तों, ऊपर ऊपर की साइड में आपको ये रखना है, और यहाँ पे ये इसके कनेक्शन है, ये ग्राउंड डीपी डीएम 5 वोल्ट, ये दोस्तों इसके कनेक्शंस हैं जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। ये कुछ बिल्कुल सेम इसी वे में आपको लगाने हैं, नहीं तो ये वर्क नहीं करेगा दोस्तों। ये देखिएगा इस तरीके से, ये 5 वोल्ट डीएम डीपी ग्राउंड सब इस तरीके से ही लगेगा दोस्तों। फिर हम अपने अगला जो हमारा कनेक्शन है उसकी तरफ चलते हैं। ये यहाँ से आपको सप्लाई देनी है 5 वोल्ट और ग्राउंड। अभी ये जो हमारा, ये मैं आपको थोड़ा ध्यान से दिखा देता हूँ दोस्तों, देखिएगा आपको साफ चमक रहा होगा। ये जो है इसकी जो फर्स्ट लैग है इन्फ्रारेड सेंसर की, वो आईआर वाले ऑप्शन पे जाएगी। जो सेकंड लैग है वो यहाँ पे, ये यहाँ पे कैपेसिटर दे रखा है इसकी, जो आप देख सकते हो यहाँ पे सेकंड वाली जो नेगेटिव लैग होती है उस पर जाएगी। और दोस्तों थर्ड वोल्ट आप 5 वोल्ट में दे सकते हो, आप इसे यहाँ भी दे सकते हो डायरेक्ट, और यहाँ भी दे सकते हो, जो यूएसबी हमारा पोर्ट लगाया आप यहाँ पे भी इसको दे सकते हो। अभी इसके बाद में ये देखिएगा कुछ, मैं आपको थोड़ा, सॉरी गाइस मैं थोड़ा ध्यान से दिखा देता हूँ, ये देखिएगा गाइस अब आपको चमक रहा होगा साफ। ये देखिए ये यहाँ पे अगर ये मोड वाला ऑप्शन है, यहाँ पे आपको एक पुश बटन लगाना है जो मोड चेंज करने के लिए होगा। मोड और 5 वोल्ट इन दोनों पे आपको उसे लगाना है, आप उसे ग्राउंड से भी लगा सकते हो, दोनों आपकी मर्जी है। ये देखिएगा दोस्तों मैंने इसको लगा लिया है 5 वोल्ट के ऊपर ही मैंने ये लगा लिया है, अभी ये सही है। यहाँ से आप ऐसे पुश करोगे तो ये मोड चेंज करेगा आपका कुछ इस तरीके से। अभी चलिए हम आगे चलते हैं, ये देख सकते हो मैं आपको एक चीज़ और दिखा देता हूँ, ये लेफ्ट ग्राउंड, ये सॉरी दोस्तों वॉल्यूम प्लस वॉल्यूम माइनस देख लीजिएगा पहले आप। ये वॉल्यूम यहाँ पे पुश बटन लगेंगे, और जो इनका दोनों का एक एक वायर बचेगा पुश बटन का, वो आएगा आपका ग्राउंड पे। आप ग्राउंड कहीं भी दे सकते हो, जहाँ पे बैटरी है डायरेक्ट बैटरी पे ग्राउंड दे सकते हो, और आप यहाँ पे ये जो हमारा यूएसबी पोर्ट है उस पर भी ग्राउंड आप दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप दबाओगे तो मोड चेंज होगा आपका। अभी मैं आपको एक बात और बता दूँ, अगर आपको कोई एक्स्ट्रा लगाना है बोर्ड, आईसी बोर्ड जैसे 6283 का हो गया, तो उसके जो ऑक्स कनेक्शन है वो यहाँ से होंगे। ये देखिएगा दोस्तों लेफ्ट, ये वाले मैं आपको दिखा देता हूँ अभी दोस्तों, ये लेफ्ट ग्राउंड और ये राइट, ये आपके जाएंगे। अब ये लेफ्ट ग्राउंड राइट जो है ये स्पीकर पे आप लगा सकते हो, पर डायरेक्ट स्पीकर नहीं चलेगा, इसमें कोई आईसी या चिप आपको नहीं दी गई है। अभी पीछे जो है वो सिर्फ इसको चलाने के लिए है, आप इसमें PAM8403 भी लगा सकते हो जो स्पीकर चलाने के लिए आता है। ये देखिएगा ये दोस्तों ये है मेरे स्पीकर्स जो ईयरफोन से मैंने निकाले हैं, पुराना जो ख़राब ईयरफोन होता है दोस्तों उससे, उसका जैक ख़राब हो गया था तो दोस्तों मैंने उससे निकाल लिए थे। अभी लेफ्ट पे लेफ्ट लगेगा और राइट पे राइट। ये देखिएगा दोस्तों जो कॉमन वायर था दोनों का वो ग्राउंड मैंने लगा दिया है बीच में। अभी इसमें हमें बैटरी का कनेक्शन देने पड़ेंगे। ये देखिएगा ये चल चुका है, मैं अभी आवाज़ सुना देता हूँ आपको। ये देखिएगा भाई मैं इसकी आवाज़ थोड़ी माइक के पास ले जाता हूँ। ये देखिएगा भाई, तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब।